नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जबलपुर में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार, स्कूली छात्र, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। धान खरीदी को लेकर किए गए सत्यापन में अनियमितता के मामले में कलेक्टर द्वारा दो पटवारियों को निलंबित किए जाने की कार्यवाही के विरोध में पटवारी संघ हुआ लामबंद। पटवारियों ने प्रदर्शन कर निलंबन वापस लेने की मांग की। मांग पूरी न होने पर हड़ताल करने की दी चेतावनी। और पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले के चार युवकों ने की युवक से मारपीट। मारपीट की घटना में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। आधारताल सुहागी के पन्नी मोहल्ले में देर रात हुई थी मारपीट की घटना। पुलिस ने प्रकरण में बढ़ाई धाराएं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जबलपुर में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर में भी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अफसरों ने उत्साह से भाग लिया और सभी ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। अनुभव करें तीसरा चक्र। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विधायक अशोक रोहानी, विधायक अभिलाष पांडे, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में बच्चों ने भी और जनप्रतिनिधियों ने और सामान्य लोगों ने भी उसमें अपने सहभागिता दी। मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के मूल मंत्र पर हम चल सकते हैं और विवेकानंद जी के विचारों को यदि हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य के भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। उसी दृष्टि से आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। देखिए, हर साल प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला उत्सव है और सभी बच्चे बड़े उत्साह से इसमें शामिल होते हैं सूर्य नमस्कार में, और एक अच्छी परंपरा है। धीरे धीरे करके लोग इसको सीखेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों के साथ योग करके। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शामिल हुए छात्र भी उत्साहित नजर आए। छात्रों ने पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ प्राणायाम सहित योग की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया। सूर्य नमस्कार करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें सूर्य नमस्कार करने में बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सूर्य नमस्कार में अठारह आसन करते हैं और प्राणायाम किए, जिससे हमारे शरीर को बहुत सी ऊर्जा प्रदान होती है और बहुत सी मतलब बीमारी नहीं हो पाती है सूर्य नमस्कार करने से। सूर्य नमस्कार करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जिस प्रकार कुम्हार होता है वो कच्ची मिट्टी को आकार देता है और एक अच्छा मटका तैयार होता है, उस प्रकार हमारा जो शरीर है वो भी एक कच्ची मिट्टी की तरह है और कुम्हार एक योग है जो हमारे शरीर को अच्छा ढांचा प्रदान करता है। तो हमें लगता है कि योग हमें करना चाहिए, वो हमारे शारीरिक को मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। तो योग जरूरी है और निश्चित मात्रा में हमें रोज करना चाहिए, प्रतिदिन का रूटीन में शामिल रखना चाहिए। योग करके हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि योग हमें बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभार्थी होता है और ये साथ ही साथ हमें मेंटल पीस भी प्रदान करता है। और एज अ स्टूडेंट हमें योग जरूर करना चाहिए क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है और हम एग्जाम रिजल्ट अपना दे सकते हैं। हमने सूर्य नमस्कार मोरलाई स्कूल में जो चल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं कि शासन द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये सामूहिक सूर्य नमस्कार जो कार्यक्रम चलाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सूर्य नमस्कार में हमने 12 आसन किए और 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम किए हैं और सूर्य नमस्कार के 12 आसन किए हैं। 6 आसन किए जिसकी हमने 2 बार आवृत्ति की और हमने 3 प्रकार के प्राणायाम किए। इससे हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एक जगह कंट्रोल रहता है। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या था, हमारा केंद्र बना केंद्रित, हम पढ़ाई की तरफ केंद्रित कर सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के अलावा भी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमत के द्वारा इंडियन लॉ रिपोर्टर डाइजेस्ट का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किताब युवा अधिवक्ताओं सहित वरिष्ठ अभिभाषकों के लिए मामलों की पैरवी के लिहाज से काफी मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा सिल्वर जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत एवं जस्टिस शील नागू समेत हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश गण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस रवि मलिमत के द्वारा इंडियन लॉ रिपोर्टर डाइजेस्ट का विमोचन किया। The effort that is being made is only to ensure that the lawyers are updated on the law. Even the 5-year digest was not coming immediately after 5 years. It took its own time. In fact, the present 5-year digest was scheduled to be released in 2025. And if there's a delay in the release of the digest, then it only becomes an ornament in an advocate's office. So it's of no use. So that's why a special effort was made, and we are successful in releasing it, and we hope that this is going to happen every year. Now the cost of the digest, the 5-year digest is 400 rupees, the cost of the 2-year digest is 200 rupees, and the yearly digest is 115 rupees. Now they're very economical rates, and it's virtually on the cost basis that it's being done. All the three digests put together will cost 715 rupees, but we have decided that if anybody buys all the three digests, the same will be sold at 700 rupees for all the three volumes. I really want all the advocates to purchase this volume. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि 50 दिनों की कम अवधि के भीतर डाइजेस्ट की श्रृंखला का विमोचन किया गया है। ये डाइजेस्ट अधिवक्ताओं के लिए कारगर साबित होगी। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमत जी पिछले 23/11/2023 को एक 5 साल का पंचवर्षीय डाइजेस्ट, जिसमें सारे जजमेंट लोगों का जिस्ट रहता है, वो रिलीज किया था, और फिर 8/11 को 2 साल का डाइजेस्ट रिलीज़ किया, और आज 2023 का डाइजेस्ट रिलीज़ किया, और ये कहा कि हम हर वर्ष जनवरी में डाइजेस्ट रिलीज़ करेंगे, जिसमें लगभग सभी जजमेंट होते हैं जो हाई कोर्ट में रहते हैं। ये यंग लॉयर के लिए बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का प्रमाइसिस में आकर उनकी टीम, वैभव मंडलोई जी, अग्रवाल साहब त्रिपाठी जी और एक हमारे मित्र अधिवक्ता दास साहब ने इस जल्दी डाइजेस्ट को रिलीज़ करने में बहुत मेहनत करी। चीफ जस्टिस महोदय ने उनको सभी के सामने रिकॉग्नाइज़ किया। मध्य प्रदेश बार हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। मैं वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान सूर्य नारायण इस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस वर्ष घोड़े पर सवार होकर मकर संक्रांति आ रही है, जिसके सकारात्मक प्रभाव से व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व उसके पश्चात दान विशेष फलदायी होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 9:23 पर मकर संक्रांति अक्री है। 15 जनवरी को सुबह से सूर्यास्त तक पुण्य काल रहेगा। नमा परम हंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदायो भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्रायो। इस वर्ष मकर संक्रांति का जो पर्व है 15 तारीख को ही मनाना चाहिए। भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर प्रातः 9:23 पर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, और इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व भी प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष मकर संक्रांति कुंभ राशि के चंद्रमा में प्रवेश कर रही है। यदि हम वाहन की विचार करते हैं
तो मकर संक्रांति का प्रवेश अश्ववाहन पर हो रहा है। मकर संक्रांति का उपवाहन सिंह है, काले वस्त्रों को धारण करके आ रही है, कुंत के आयुध हैं, दोनों का पात्र है, हल्दी का लेपन किए है, गुंजा के माला को वह धारण करती है और उसके साथ साथ उसकी जो अवस्था है भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर वृद्धावस्था बताई गई है और उत्तर दिशा में उसका प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य 6 मास उत्तरायण रहते हैं और 6 मास दक्षिणायन होते हैं और यह जो देवताओं का दिन मकर संक्रांति के साथ ही प्रारंभ होता है और यहीं से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। चूंकि शनिवार को यह प्रवेश कर रही है, इससे यह लगता है कि अनाजों के भाव में क्रमशः सने सने वृद्धि दिखाई देगी, अनेक प्रकार के उत्पाद भी संभव हैं, खंड वृष्टि भी हो सकती है और उसके साथ साथ कई प्रकार की परिस्थितियां विपरीत भी आपको देखने मिल सकती है। और यह जो मकर संक्रांति के अनुसार यदि हम चलते हैं तो मेष राशि वालों के लिए यह आर्थिक सुख समृद्धि देने वाला है, वृष राशि वालों के साथ अंतर विरोध की स्थितियां प्रतन होंगी, जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको अपने सर्विस क्षेत्र में सफलता की भरपूर संभावना है, कर्क राशि वालों को भी यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, सिंह राशि वालों का भी सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए यह अशांति बढ़ाने में सहायक होता है। तुला राशि के जातक, धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी, वृश्चिक राशि के जातक जिस कार्य को भी उनके मन में था मनोअभिलाषित कार्य की पूर्ति होगी, धनु राशि वालों के लिए भी अत्यंत शुभ है। मकर राशि वालों के लिए कुछ आर्थिक आधार पर परेशानियां आएंगी, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुभ है। जानकारों का कहना है कि शतभिका नक्षत्र पर मकर संक्रांति होने से राजाओं में सुख शांति होती है, रस पदार्थ दूध एवं खेती की उपज अधिक होती है, गेहूं चना आदि अनाजों का उत्पादन अधिक और शुभ होता है, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, जनता निर्भय रहेगी, कई तरह के रोगों का नाश होगा। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए 20 प्रतिभागियों का चयन किया गया। मॉडल स्कूल में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में शामिल 196 मॉडल्स में से सर्वश्रेष्ठ 20 मॉडलों को अगली प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मॉडल स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में शामिल 196 मॉडल्स में से श्रेष्ठ 20 मॉडल्स को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। चयनित होने वालों में जबलपुर के 6, छिंदवाड़ा के 7, कटनी से 2, नरसिंहपुर से 5 पार्टिसिपेंट्स शामिल रहे। क्लस्टर स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन समारोह है। 245 बच्चे 4 जिलों से अपने प्रोजेक्ट और मॉडल लेकर यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रस्तुत किया और 3 सदस्यीय जूरी जिसमें NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से 1 सदस्य आए थे और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से सदस्य नियुक्त हुए थे। इन 3 सदस्यीय जूरी ने सभी का प्रोजेक्ट और मॉडल देखा और उसमें से 20 बच्चों का चयन करके राज्य स्तर पर भेज रहे हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई इस योजना का अच्छा प्रतिफल सामने आ रहा है। विज्ञान मॉडल्स के जरिए कई समस्याओं के समाधान सामने आ रहे हैं। धान उपार्जन में गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना द्वारा राजस्व अमले पर की गई कार्रवाई से पटवारियों में रोष व्याप्त है। जिले के पटवारियों ने लामबंद होकर पटवारियों और तहसीलदार पर की गई कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। चलेगी, चलेगी। नाम तो,
धान उपार्जन में गड़बड़ी के मामलों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। धान पंजीयन के सत्यापन कार्य में अनियमितता बरतने के मामले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने दो पटवारियों राहुल पटेल और अभिषेक कुमार विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही सिहोरा के तत्कालीन SDM धीरेन्द्र सिंह और तहसीलदार आदित्य जंघेला को आरोप पत्र जारी किए हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में पटवारी लामबंद हो गए हैं। जिले के पटवारियों ने शुक्रवार को इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात कर पटवारियों का निलंबन वापस लेने की मांग की। धान पंजीयन के सत्यापन में हमारे दो पटवारियों, हमारे एक SDM महोदय और तहसीलदार महोदय के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे राजस्व परिवार में बहुत ही रोष व्याप्त है। 20 नवंबर तक हम विधानसभा चुनाव के कार में सारा अमला लगा हुआ था। यह प्रशासन को भी बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन एक तुगलकी फरमान आता है कि जो काम हम 15 से 20 दिन में कर पाते हैं हमें 3 दिन में पूरा करके दीजिए। राजस्व अमले ने दिन रात लग के जैसे तैसे जो भी हुआ और फसलों का सत्यापन किया। अब हमारे पटवारियों पर यह कह के कार्रवाई कर दिया है कि आपने सिकमी की जाँच नहीं की। सिकमी नामा अधिनियम के तहत दोनों पक्षकारों को तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर स्वसाक्षरित कर अनुबंधित किया जाता है, लेकिन जब सोसाइटियों द्वारा बगैर अधिनियम के स्वीकृति के यदि उनका पंजीयन किया जा रहा है तो उसमें दोषी कौन है? क्या पटवारी दोषी है? लेकिन शासन प्रशासन सबको बचाते हैं, क्योंकि सबसे घटिया अमला यही है। राजस्व अमला कोई काम नहीं करता है अधिकारियों की नज़रों में। SDM से लेके पटवारी तक 12 से 14 घंटे तक लगे रहते हैं, लेकिन इनके कार का कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। बस कोई भी गाज गिरा नहीं हो इनके ऊपर गिरा दो, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर दो, यह प्रशासन लगातार करता आ रहा है। अब राजस्व अमला चेत गया है, किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्यों को नहीं सहेगा और यदि हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई वापस नहीं ली गई एवं SDM तहसीलदारों के खिलाफ नोटिस तत्काल निलंबित नहीं किए गए तो पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पटवारी को दोषारोपण करके और हमारे तहसीलदारों को जो है नोटिस दे के हम लोगों को दोषी मानकर जो है हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी है। अगर ये कार्रवाई वापस नहीं होती है तो हम जो है हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं, बाध्य हो गए। प्रदर्शनकारी पटवारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर पटवारियों का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो समस्त पटवारी हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलता की कामना लेकर नगर पंडित सभा ने त्रिशूल भेद में विशेष पूजन अर्चन किया। जबलपुर की नगर पंडित सभा का कहना है कि 500 वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह ऐतिहासिक घटना है। नगर पंडित सभा के सदस्यों ने न्यू भेड़ाघाट नानाखेड़ा स्थित त्रिशूल भेद में मां नर्मदा का विशेष पूजन अर्चन किया और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलता की कामना की। हम श्री नगर पंडित सभा के समस्त ब्राह्मणों के द्वारा, पदाधिकारी एवं हमारे समस्त विप्रों के द्वारा, जो 22 जनवरी को श्री रामलला जी अयोध्या में विराजमान होंगे तो सब काम निर्विघ्नता से संपन्न हो, समस्त तीर्थयात्री बड़े अच्छे तरीके से जावे आवे और किसी प्रकार की भी जनमन धनहानि न हो, इस मंगल कामना के साथ हम लोग ने त्रिशूल भेद में श्री नगर पंडित सभा के सभी पदाधिकारी ब्राह्मणों के द्वारा नर्मदा जी का पूजन अर्चन किया। हम भगवती से यही मंगल कामना करते हैं कि संपूर्ण कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो। त्रिशूल भेद और आसपास का नर्मदा तट वेद मंत्रों से गुंजायमान रहा। हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अस्थायी अतिक्रमण गंजीपुरा की यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। व्यापारियों में जागरूकता की कमी के चलते यह समस्या यहां स्थायी रूप धारण कर चुकी है। जरूरत है स्थायी एवं दंडात्मक कार्रवाई की ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। गंजीपुरा में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें एवं सड़क तक बढ़ाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। हटाने के बाद दोबारा अस्थायी अतिक्रमण कर लेने की मनोवृत्ति आवागमन को बाधित कर रही है, जिसके चलते राहगीरों को भारी परेशानियां झेलना पड़ती है। ये
गंजीपुरा जाते गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत जाती है और दुकानों के सामने दुकानें और लगा के बैठ जाते हैं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत जाती है कि गाड़ी खड़ी करने की, सामान खरीदना हो तो खड़ी नहीं कर पाते गाड़ी खरीदनी, बहुत अतिक्रमण है। क्या मांग करते हो आप? वहाँ की रोड चौड़ी मांगते हैं, वहाँ पर अतिक्रमण अलग हो, अतिक्रमण अलग हो। अतिक्रमणों के कारण यहाँ चौड़ी सड़क भी सक्रिय नजर आती है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तुषार कांत विद्यार्थी ने शुक्रवार को उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और वृद्ध जनों की सुरक्षा से जुड़े अभियान और कार्य उनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। गौरतलब है कि डीआईजी का पदभार ग्रहण करने वाले तुषार कांत विद्यार्थी पूर्व में जबलपुर में बतौर एडिशनल एसपी और बतौर एसपी भी पदस्थ रह चुके हैं। मेरी ओर से भी बीटीबी परिवार के सभी साथियों को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आपको जानकारी पहले से ही है कि हमारी जबलपुर पुलिस की पहचान पूरे मध्य प्रदेश में एक सशक्त पुलिस की पहचान के रूप में जानी जाती है। पूरी टीम यहाँ पर हमारे एसपी से लेके एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी और कांस्टेबल तक सभी लोग बिल्कुल डेडिकेटेडली क्राइम कंट्रोल में, क्राइम डिटेक्शन में, प्रिवेंशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं मानता हूं कि बतौर डीआईजी, जिसमें मैं जो भी बेटरमेंट करने के लिए मेरी तरफ से जो भी चीज़ें होंगी उसमें इस पूरी टीम के साथ मैं काम करूंगा और निश्चित रूप से बेहतर परिणाम हमारे सामने होंगे। सर, आप जब जबलपुर प्रशासक के पद पे थे आपने बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी, खासतौर पर बुज़ुर्गों के लिए, तो इस तरह की योजनाएं जो हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, आस्था अभियान निश्चित रूप से ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते हैं उनको फोकस करके, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्रिमिनल्स के, तो उनसे जुड़ने का और पुलिस उनकी चिंता करती रहे, ये संदेश मेरा अभी भी जबलपुर पुलिस को रहेगा और उसमें मैं स्वयं भी सहभागिता अपनी सुनिश्चित करूंगा। ट्रैफिक के सुधार के लिए किस तरह से अब आपके जो है नए कदम होंगे? ट्रैफिक में अभी काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं, उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई की, उनको रेक्टिफिकेशन की बात हुई। अभी ऑनरेबल सीएम साहब का और पूरे सिस्टम का, शासन का पूरा फोकस भी है कि कम यहाँ पर चीज़ें, ट्रैफिक पूरे प्रदेश का ट्रैफिक ठीक होना चाहिए और जबलपुर भी कहीं ना कहीं उस ट्रैफिक अच्छी व्यवस्था नहीं होने का शिकार रहा है। और पहले भी जो प्रयास हुए हैं वो भी अच्छे प्रयास हुए हैं और वर्तमान एसपी भी लगातार उसमें अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जनमानस के सहयोग से हम ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में सफल होंगे। शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र तुलाराम चौक मुकादमगंज में दो प्रतिष्ठानों में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि जिन प्रतिष्ठानों में वारदात हुई दोनों प्रतिष्ठान थोक ड्राई फ्रूट्स के हैं। शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र तुलाराम चौक मुकादमगंज में बीती रात दो प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदात घटित हुई। चोरों ने दुकान के शटर को उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का पता सुबह जब व्यापारियों को चला तो हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि जिन दुकानों में चोरी हुई वह दोनों ही दुकानें ड्राई फ्रूट्स की थोक दुकानें हैं, जहां से चोर नकदी के अलावा महंगे ड्राई फ्रूट्स चोरी करके ले गए हैं। इस घटना से व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दुकान संचालकों ने बताया कि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र होने के बाद भी पुलिस रात्रि गश्त ठीक से नहीं करती, जिससे यहां आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। भैया, मेरी जबलपुर के सबसे मुख्य स्थल तुलाराम चौक मुकादमगंज में मेरी दुकान है और मैं यहां का व्यापारी संघ का सदस्य भी हूं। आज सुबह 5:30 बजे जब मेरे पड़ोसी ने मेरे को सुबह फ़ोन किया कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं, मैं तत्काल दुकान आया और पता चला कि मेरे यहाँ पर ताले बिना तोड़ के शटर उठा के चोरी की गई है। मुख्यतः से ड्राई फ्रूट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से इनने प्रहार करते हुए काजू, बादाम, जीरा और इलायची, दोड़ा, ये सब चोरी करने की लेके गए हैं। कुछ नगद मेरा 20-25 हज़ार रुपये भी है, वो भी गया है। जाके बाकी सामानों का आकलन अभी शटर उठाने के बाद हो पाएगा। मौके पे गश्त पे पुलिस आ गई थी, उनने क्या कहते हैं कागज़ कार्रवाई तो लिख ली है, अभी आगे कार्रवाई क्या हुई वो बताएंगे। मतलब यहाँ पे एक तो पुलिस वालों की बहुत लापरवाही हो रही है, मतलब गश्त उनकी बढ़ानी चाहिए। मतलब कैमरा लगा है सामने, उसके बाद भी चोरियाँ हो रही हैं बाकायदा डेली। मतलब और गार्ड भी लगना चाहिए चौगट्टे में तो, और पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए पूरे चारों साइड में।
घटनाएं बढ़ रही हैं। घटना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब चौगड्ढे में होके चोरियां हो रही है, बताइए ऐसी मतलब। हालांकि चोरी की इन घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। पुलिस द्वारा चोरों की पतासाजी के लिए चौराहे और अन्य दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करना शुरू कर दिया गया है। अधारदा थाना क्षेत्र सुहागी पन्नी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के साथ बीती रात कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। इस घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अधारदाल थाना क्षेत्र सुहागी पन्नी मोहल्ला में रहने वाले विक्की उर्फ संजय पटेल नामक युवक पर बीती रात चार लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने विक्की के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी लगने के बाद परिजन उसे घायल हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में विक्की के परिजनों ने चार लोगों के विरुद्ध नामजद FIR थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। घायल विक्की की मौत के बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया। हमारे लड़के को फ़ोन लगा के राहुल ठाकुर और लक्की ठाकुर और अन्ना और एक और नाम है, इनको बुलाए और इनके साथ पर मारपीट की, जो मार डाले हमारे लड़का को, फोन लगा के बुलाए लट चाकू। क्या बात, कुछ भी बात नहीं रहा, एक दिन ऐसे ही 2 महीना की पहले की बात है, थोड़ी सी लड़ाई भई थी, उतना ही पैसे, कोई बात नहीं रही, और थोड़ी सी दोस्तन में ऐसी दारू पिए में हो गई थी, उतनी हमारे लड़के का विक्की पटेल संजय पटेल जो जिन्होंने मारा, वो कहाँ रहते हैं? वो सुहागी में रहते हैं, बसवाड़ी के इधर। विक्की पटेल अपना एक बड़ा साला है, ये शाम को घूमने निकला अपने ये सुहागी भी ये क्या बोलते हैं बड़े देव मंदिर के पास, तो इनके कुछ पुराने दोस्त लोग थे राहुल ठाकुर करके, इन लोग के बीच में पुरानी रंजिश थी, इसके चलते इन लोग इसको पकड़ के घसीट के लेके गए मैदान में और ज़बरदस्ती पकड़ के ईंट पत्थर से मारपीट किए, इसके चलते उसकी डेथ हो गई। रात में इनकी माँ जो है रिपोर्ट करने आई थी, जो थाना आधारताल में अपराध क्रमांक 44/24 धारा 294/324/427/5/6/34 का मामला दर्ज था। आज मृत्यु की सूचना आने पर मौके पर जाकर मर्ग देहाती मर्ग इंटीमेशन लेकर 100 पंचनामा कार्रवाई की गई है। MSO का PM मेडिकल कॉलेज जबलपुर से कराया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उनकी अभी गिरफ्तारी आरोपियों की तलाश जारी है सर। कितने आरोपी हैं इसमें? 4 आरोपी हैं सर। चारों की गिरफ्तारी? हाँ, इनका कोई प्रकरण है? हाँ है, इनके प्रकरण पूर्व से क्या है? कहाँ के रहने वाले आरोपी? ये यहीं के रहने वाले हैं, पन्नी मोहल्ला सुहागी के ही रहने वाले हैं, और इनकी तलाश जारी है। घटना करने के बाद तो ये फरार हो चुके थे। धारा बढ़ाए? बिल्कुल 302 हत्या तो है ऑलरेडी, बिल्कुल 302 बढ़ेगी सर। पुलिस ने विक्की उर्फ संजय पटेल के शव का पोस्टमार्टम कराया है और घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।